अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं कनॉट प्लेस के अंदर। कनॉट प्लेस के अंदर हैं केपी चौधरी के जी के साथ, जो बहुजन समाज के बहुत अच्छे वक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बुद्ध की बातों को, बाबा साहब के विचारों को बहुत अच्छे से जगह जगह पहुंचाते हैं और वो यूएसए, अमेरिका, हॉलैंड, कनाडा जैसी कंट्रीज़ के अंदर उनको पर्सनल तौर से इन्विटेशन्स आते हैं और बाबा साहब के बातों को वहाँ पे फैलाने के लिए उनको बुलाया जाता है। चौधरी साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो जी जी धन्यवाद और चेम नो बधाई। चौधरी साहब, एक बात बताइए, आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट्स करते हैं, तो क्या कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन दो दो तीन तीन महीने तक मनाया जाता है, उसके पीछे क्या विशेष कारण है वो बताएं। देखिए, मैं यहाँ सुरेंद्र जी, मैं इसमें और एक कदम आगे बढ़ते हुए आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन तो पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ, इस बार करीब 150 देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम जन्म दिवस था उसको धूमधाम के साथ मनाया, लेकिन बाबा साहब की पुण्यतिथि को भी वर्ल्ड लेवल पर मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया उसको जो है ना, मतलब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, उनकी काबिलियत को स्वीकार किया है, उनके विज़न को, जो उनका सोच थी, जो उन्होंने देश और दुनिया के सम्मुख अपनी काबिलियत को हर लेवल पर सिद्ध किया। अब कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो भारत के अंदर जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ एससी एसटी समाज के लिए काम किया, लेकिन जब उनके कार्य को विस्तार से हम देखते हैं तो उन्होंने एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जो ओबीसी को भी आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने दिया था, ये सिर्फ बाबा साहब की उस समय की सोच थी। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल का जिक्र जब होता है तो महिलाओं की बात हो तो हिंदू कोड बिल का जिक्र होना स्वाभाविक है, और हिंदू कोड बिल में महिलाओं के अधिकार, संपत्ति में अधिकार देने की बात उन्होंने कही थी, जिसको इस देश की संसद ने नकार दिया और दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जबकि राजनेता जनरली अपने पद से इस्तीफा देते नहीं है, देते हैं तो उनसे इस्तीफा मांगा जाता है करप्शन के चार्ज में या सेक्सुअल चार्ज, बहुत सारे चार्ज उन पर होते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल। लेकिन ये पहले सैद्धांतिक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपनी सही बात को ना मानने के कारण कि भाई मैंने हिंदू कोड बिल पेश किया और वो टर्न डाउन हो गया, इसलिए उन्होंने दुखी मन से इस्तीफा दिया और उन्होंने भविष्य में ना कोई लोकसभा लड़ी, ना उन्होंने कोई राज्यसभा में गए, और जीवन भर उन्होंने भारत जैसे देश के गरीब तबके के लिए अपने आप को समर्पित किया। दुनिया में ऐसी मिसाल आज तक दूसरी नहीं हो पाई और इसीलिए पूरा विश्व बाबा साहब अम्बेडकर का, उनकी काबिलियत का, उनके कार्य का, उनका जो सोशलिज्म था, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है उसका लोहा मानता है, और इसीलिए आज पूरा विश्व, मैं कहूँगा फिर 150 देशों ने अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती समारोह मनाया है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने अभी बताया कि कनाडा की संसद में 6 दिसंबर को उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम, पुण्यतिथि का कार्यक्रम भी मनाया गया, और पार्लियामेंट, कनाडा की पार्लियामेंट में मनाया जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके, जिनके अस्तित्व को पूरे विश्व ने स्वीकारा है और उनके प्रति नमन पूरा विश्व करता है, और यही कारण है कि उनका पुण्यतिथि भी और उनका जन्मदिन भी पूरे विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।